नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएच न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नज़र आज के हेडलाइन पर। पार्डी के कोली इलाके में नाबालिग लड़की के घर में घुसकर बलात्कार, दो दिन में 4.2 डिग्री गिरा पारा। शराब विक्रेता महिला के घर में पुलिस ने मारा छापा। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। कुही थाना अंतर्गत एक 17 वर्षीय लड़की के घर में घुसकर उसका रेप करने की घटना सामने आई है। आरोपी उसके घर में कुछ मांगने के बहाने घुसा था और कोई नहीं होने का फायदा उठाकर उसने लड़की का रेप किया। गौरतलब है कि पार्टी के कुही इलाके में एक नाबालिग के घर में अकेले रहने के दौरान आरोपी राहुल केवल रवानी चाफले ने उसके घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी राहुल पार्टी निवासी ने उसके घर में जाकर बीड़ी मांगने का बहाना करते हुए घर में घुसा और नाबालिग का मुंह दबाकर उसका रेप कर दिया। लड़की को समझ नहीं पाई, लड़की ने कुही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अगली खबर, पिछले दो दिन से न्यूनतम पारा लगातार गिर रहा है। न्यूनतम तापमान गिरने के साथ ही ठंड फिर लौट रही है। न्यूनतम तापमान गिरने से रात को ठंड का एहसास बढ़ गया है। पिछले दो दिन में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री गिर गया है। सोमवार को अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री व न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में फिलहाल कोई सिस्टम तैयार नहीं हो रहा है। कम दबाव का क्षेत्र या अदबाव की स्थिति नहीं होने से तापमान गिर रहा है। उत्तर पश्चिम से शुष्क हवाएं आ रही है। शुष्क व उत्तर पश्चिमी हवा से ठंड बढ़ रही है। न्यूनतम तापमान और गिरने की संभावना है। दिन में भले ही ठंड का एहसास न हो लेकिन रात को ठंड महसूस होगी। मंगलवार को आसमान साफ रहेगा। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है। अगली खबर, शराब विक्रेता महिला के घर में पुलिस ने छापा मारकर देसी शराब की 61 बोतलें जब्त की। आरोपी लताबाई इतवारी के मिनी माता नगर की निवासी है। जोन क्रमांक 5 के उपायुक्त मनीष कलवानिया की टीम को गुप्त जानकारी मिली थी कि लताबाई घर में अवैध देसी शराब का अड्डा चलाती है। सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस ने लताबाई के मकान को घेर लिया और छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। तलाशी में देसी शराब की 61 बोतलें जब्त की गई। जब्त शराब की कीमत 1,830 रुपए बताई जा रही है। कलमना थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।